हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। इसमें जो है टेक्निकल असिस्टेंट की जो है वैकेंसी निकली है, नंबर ऑफ वैकेंसी 100 है, राइट। परमानेंट जॉब है फ्रेंड्स। एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। लाइक वन स्टेज का जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, वो मैं आपको बताऊँगा, राइट। सैलरी स्ट्रक्चर जो है, एक्चुअली ये प्रोबेशन पीरियड होने के बाद जो है आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। ये प्रोबेशन पीरियड जो है उसके दौरान की ये सैलरी स्ट्रक्चर है, राइट फ्रेंड्स। सो इसमें कोई भी ग्रेजुएट होल्डर अप्लाई कर सकता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर जो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, उनके लिए बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, चाहे वो बीकॉम से हो, चाहे वो मेडिकल से हो, इंजीनियरिंग से हो, या फिर आर्ट से हो, या किसी अदर स्ट्रीम से हो, राइट। उनके लिए बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा ई एजुकेशन चैनल का, तो आपको वहाँ बहुत सारी वैकेंसी मिल जाएगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। सो लेट्स स्टार्ट। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। सो यहाँ पे देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये वैकेंसी निकली है, राइट, टेक्निकल असिस्टेंट्स की। यहाँ आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 100, राइट। और इसमें देखिए आपका जो है 42 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 7, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 10। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 हैं, जिसका रिजर्वेशन वाइज जो है बायफर्केशन यहाँ पे किया गया है, राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, चार वैकेंसी इस सब में से डिसेबल पर्सन के लिए फिक्स है, राइट। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए, और ग्रेजुएशन ऐसे कैंडिडेट चाहे जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम से बीटेक किया हो, बी किया हो, बीआर किया हो, या बीएससी किया हो, या बीसीए किया हो, या बीवीएससी किया हो, लाइक बैचलर ऑफ लाइक वेटरनरी साइंस, राइट फ्रेंड्स। सो इसमें जो है कैंडिडेट अगर इसमें से ग्रेजुएट हैं 55% के साथ मिनिमम, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 26 मैक्सिमम एज दिया गया है, ये एज कैलकुलेट होगा 28 फरवरी 2022 तक, राइट। और जो है लाइक रिजर्वेशन कैंडिडेट जो कि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और 3 ईयर एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगा, राइट, और 10 ईयर डिसेबल पर्सन को, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सैलरी पैकेज। तो ये देखिए, ये सैलरी पैकेज है, ये जो है बेसिक है प्लस अदर अलाउंसेस यहाँ पे। तो ग्रॉस सैलरी की बात करें तो आपको 29 के आसपास स्टार्टिंग होगी। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड योर सैलरी विल बी लाइक ऑन जो है जो भी लाइक स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग से आपको 35+ मिलेगी, राइट फ्रेंड्स। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे, राइट फ्रेंड्स। और इसमें जो है टेक्निकल क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, राइट। इसमें जो है सिलेबस एनेक्सर 1 में दिया गया, वो मैं आपको बताऊँगा हाउ यू विल डाउनलोड द लाइक सिलेबस एंड ऑल रेस्ट ऑफ अदर थिंग। यहाँ आप देखिए, एनेक्सर 1 में क्लियरली मैंशनड है सिलेबस इज देयर, राइट। एंड जो है एप्लीकेशन फी यू हैव टू पे थ्रू ऑनलाइन मोड, जनरल ओबीसी इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 500, एंड रेस्ट ऑफ कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इसमें, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी रीजन से हो। और 2 ईयर का जो है प्रोबेशन पीरियड है, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड यू विल बी ऑनरोल, आपकी परमानेंट जॉब हो जाएगी, एंड देन फिर आपको जो है अच्छी खासी सैलरी एंड अदर फैसिलिटीज भी आपको मिलेंगी, राइट फ्रेंड्स। तो आप 28 जो है फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए टाइम है। देखिए, वेबसाइट है iisc.ac.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं 28 फरवरी से पहले तक, राइट फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी लाइक परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं YouTube, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक जिसका जो है दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाएँ और विजिट करें, और आप जो है कोई